गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम पढ़ेंगे, टू ऑर्डर का। इसके पिछले क्लास में हम लोग, पिछले वीडियो में इसका मैं इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आज इसका हम लोग कुछ टू ऑर्डर का प्रॉब्लम देख लेता हूं। तो कुछ क्वेश्चन ब्लैकबोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। तो सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का 6, 7, -3, -2 आपको याद होगा टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। नियम इसका बताए थे कि डिटरमिनेंट को उसी को कन्वर्ट किया जाएगा जिसका रो और कॉलम सेम रहेगा। इस बात में देख लीजिए, इधर एक रो, एक कॉलम, दो कॉलम है ना, तो इसका डिटरमिनेंट निकाला जाएगा। तो कन्वर्ट कीजिए, पहले कैसे, ऐसे, उसके बाद ऐसे। अरे हम बाबू जी ला माइनस सिक्स, यहाँ सिक्स इंटू कितना, -2। यहाँ बड़ी ब्रैकेट डालेंगे, फिर यहाँ माइनस डालेंगे, यहाँ बताइए कितना होगा, 7 इंटू कितना, -3। अब यहाँ लॉक कर देंगे, आप देखिए इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिए कितना आएगा, -12। अब यहाँ बताइए कितना होगा, -21 होगा, लेकिन यहाँ -21 आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब यहाँ इसको घटा दीजिए, 21 में -12 चल जाएगा, कितना बचेगा आप ही लोग बताइए, 9 बचेगा। ये आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का। हमारे ख्याल से इस टाइप का जब भी टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट आएगा तो हमारे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आइस से, उसके बाद हाइस से, और यहाँ अपने से माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड इसका क्वेश्चन देख लेता हूं। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन करता हूं, एकदम उसी तरह ये भी सोल्यूशन वी है। क्वेश्चन है x²-x+1, x+1, x-1, x+1। कैसे करेंगे आपको मालूम होगा नियम, बता सकते हैं। पहले हाई से और यहां माइनस, चलिए क्या होगा, x²-x+1, यहां ब्रैकेट, यहां क्या होगा, x+1। फिर ऐसे गुना कर दो तो माइनस क्या होगा, x+1, और यहाँ x-1। क्लियर। अब आगे देखिए, मल्टीप्लीकेशन करने आता होगा, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या होगा, x³, फिर इससे मल्टीप्लीकेशन x², फिर इससे प्लस x, फिर 1 से गुना करो x² कितना होगा, -x, यहाँ +1। अब यहां से मल्टीप्लीकेशन करो x² - 1² आप देखिए यहां से x³ - x², ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी और ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या x³, यहां बचा क्या +1 - x² - -1, यहाँ क्या होगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। आप देखिए क्या कट गया, कुछ बचेगा क्या, कटेगा क्या, नहीं, लिख दीजिए x³ - x² और 1 कितना हो गया, 2। ये क्वेश्चन पहला, दूसरा, सेकंड क्वेश्चन बन गया। तो सबसे पहले फिर समझिए, एक बार ऐसे मल्टीप्लीकेशन कीजिए, एक बार ऐसे कीजिए, और अपने से माइनस लगा दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, हम कुछ ब्लैकबोर्ड पर क्वेश्चन लिखे हैं टू ऑर्डर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इसको कीजिए। तो पहला का सोल्यूशन देखिए एकदम उसी तरह बनाना है आपको, वी है, क्या है यहां देख लीजिए, sin 10 डिग्री, 80 डिग्री, मतलब 80 डिग्री, माइनस कितना, cos 10, cos यहां कितना 80। अब बताइए यहां त्रिकोण में दिया है, अब इसको क्या करेंगे, उसी तरह करेंगे, कुछ भी रहे, कॉम्प्लेक्स वाला भी रहेगा तभी बना लेंगे, इमेजिनरी नंबर भी दिया रहेगा तभी बना लेंगे, इसी तरह करना, जिस तरह टू ऑर्डर का नियम है। तो टू ऑर्डर का नियम कैसे है, इसको ऐसे से अरे अपन माइनस लगा, क्या होता, देख गुना करे तरह से क्या होगा, sin 10 डिग्री, फिर यहाँ क्या होगा, sin, यहाँ गुना करे cos 80 डिग्री। अब यहाँ देखिए अपने से माइनस, यहाँ अपने से माइनस, अरे माइनस इसे ऐसे गुना करते हैं तो अपने से माइनस देते हैं, अरे माइनस पहले से यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आप सीख लिए होंगे मेरे ख्याल से। तो क्या हो गया यहाँ, sin 80 * कितना बताओ, cos 10। आप देखिए यहां से सजा के एक बार लिख लीजिए क्या होगा, cos, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सजाने का जरूरत है, यहां से आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, आज करके मैं फॉर्मूला लिखता हूं,
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अरे ट्रिगो में पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, साइन ए में कितना है 10, बी में कितना है 80, प्लस तो प्लस कॉस ए, ये यहां क्या है बताइए जरा सर, कॉस ए हो गया यहां जाके 10 हो जाएगा, इसको जरा सजा लीजिए मैं फिर से तो अच्छा लगेगा बनाने में, सजा लीजिए क्या होगा यहां बताइए, साइन 10 इंटू कॉस 80, बढ़िया से लिख लेते हैं इसको, प्लस कॉस 10 इंटू कितना साइन 80। फॉर्मूला ऐड करके लिख लीजिए, फॉर्मूला किस पर सेट किया गया है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आप समझिएगा यहां से साइन ये तो यहां तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं, सलाह लिख लिया इसको यहां जेह को उतार दिए, इसको भी जेह को उतार दिए, इसको यहां लिख लिया, इसको यहां बाद में लिख लिया, गुना में है तो गुना हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला एज करके लिखे, यहां ए एस लिखे एज करके, क्या लिखे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है आप खुद ही जानते होंगे क्या होता है बता सकते हैं, साइन ए प्लस बी। आप बताइए ए की जगह कितना है 10 है, तो यहां साइन 10 और बी के जगह कितना है 80, तो 10 से यहां कितना हो जाएगा 90 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब रखा से आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ 3x माइनस 2 74 इज इक्वल टू कितना 8674 फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या x। अब इस क्वेश्चन में क्या वैल्यू निकालना बोल रहा है x। अब इस टाइप का क्वेश्चन लिखिए x वाला बनाते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में यहां कह रहा है वैल्यू निकालना बोला था, क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको देखिए सॉल्यूशन लिख लीजिए, वी हैव लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x हो रहा है, क्या होगा 3x माइनस 2 74 इसको उतार लीजिए 8674। अब देखिएगा उसी तरह काम करना है, पहले i से कितने ऑर्डर का डिनर पड़ा है लोग प्रॉब्लम 2 ऑर्डर का, इसके बाद मैं चालू करता हूं 3 ऑर्डर का, कितना होगा 4 3 यहां कितना होगा डायरेक्ट गुना करो 12, यहां कितना होगा माइनस से होता है तो माइनस में प्लस 7 2 9 14 इसकल टू कितना होगा 8 4 32, यहां कितना होगा 66 कितना होता है इसको इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 42, यहां बताइएगा आप कितना होगा 2x और प्लस बताइए कितना होगा बताइए हम 10 माइनस 10 फिर इसको उधर ले जाइए 14 है माइनस 10 इधर जाएगा तो कितना होगा ये माइनस 14, अब इसको जोड़ दीजिए कितना होगा यहाँ माइनस 24 माइनस 24 24। आप समझदार हैं समझ सकते हैं इस सर 24 लिखे हैं। आप देखिए यहां से गुना में है डिवाइड में चल जाएगा x बराबर कितना बताइए माइनस 24 बटे कितना 12 कट जाएगा यहां 2 होगा। आप बता सकते हैं x का मान कितना आया माइनस 2, ये आपके आंसर हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, कि दोनों क्वेश्चन को मेरे तरफ से वीवीआई मार लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन का x का मान निकालने के इस तरह निकलेगा और जब भी आपको 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का विस्तार बनाया जाएगा। अब हम लोग चालू करते हैं 3 ऑर्डर।